नगर वार्ड नंबर 35 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एमपी कैंडिडेट राठौड़ रमेश साहब के वास्ते प्रचार कर रहे हैं। मेरी बड़ी बहन पीसीसी सेक्रेटरी आदिलाबाद इंचार्ज गंडाधर सुजाता मैडम और गौड़ साहब और नरसिंह अन्ना और एक्स काउंसलर्स कार्यकर्ता, आज मैं पूरे वोटरों से, पूरे तेलंगाना और पूरे हिन्दुस्तान के वोटरों से मीडिया द्वारा एक ही बात बोलना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी साहब 15 लाख रुपए देता हूं बोल के बोले, अकाउंट में अच्छे दिन आएंगे बोल के बोले। 5 साल हम लोग सब वोट डालकर देखे, केसीआर साहब को भी वोट डालकर देखे। मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूं सारे लोगों से कि मिनिमम इनकम एक आदमी को 6,000 रुपए तो भी महीना गवर्नमेंट से मिलना बोल के राहुल गांधी साहब जो मैनिफेस्टो में लगाए, मैं आप सारे लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, अगर ये 6,000 रुपए, अगर आप साहेब इस्तेदाद पैसे वाले हैं, अगर ये 6,000 रुपए गरीब लोगों को दिलाए और सारे लोग मिलकर वोट डाले, आज अपने बच्चे अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते, अच्छे से अच्छा एजुकेशन हासिल कर सकते, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ सकते। आज दवाइयों के लिए और हर तकलीफ के लिए आज लोग परेशान है। माना 6,000 रुपए व्हाइट राशन कार्ड वालों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिलने वाला है। आपका कीमती वोट वेस्ट ना करते हुए टीआरएस पार्टी के जो मैनिफेस्टो में लगाए थे उन्होंने अभी तक दिए नहीं। 1,000 को 2,000 पेंशन, 3,000 रुपए जो सो बेरोजगार ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को बोले, आज तक भी नहीं दिए। फिर भी दिए तो वही देंगे उन्होंने, लेकिन उन्होंने सेंट्रल में अधिकार में नहीं आ सकते, इसलिए सेंट्रल में कांग्रेस पार्टी को जिताकर 6,000 रुपए महीना हर एक आदमी को दिलाना बोल के मैं वोटरों से गुजारिश करूं।